कहाँ टिकट है? ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम बिक दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो पता नहीं, वहाँ पे उनके लोगों ने बनाई थी। कल दारा सिंह चौहान पर जिस तरीके से स्याही फेंकने की घटना हुई, उसको लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। इस बीच सवाल ये उठ रहा था कि आखिर यह स्याही किसने फेंकी। दारा सिंह चौहान ने जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दलित पिछड़े जाति का कार्ड खेला, वहीं सुधाकर सिंह ने इसे मजाक बताते हुए भाजपा के उम्मीदवार पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हालांकि पूरा मामला कल का है और जो स्याही फेंका है उसका नाम अभिमन्यु यादव उर्फ डायमंड। हाय हाय, तुम हो कहाँ भी गए थे? उसको कहाँ भी गए थे? ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भी तो हमने का चुनाव जीता है। और तुमको तुम्हारे साथ साथ कौन था? वीडियो में दिखने वाले शख्स की बातें आपने सुन ली होगी। दूसरी तरफ एक वीडियो आपको नीचे चल रहा दिख रहा होगा किस तरीके से दारा सिंह चौहान उतरते हैं, उनके ऊपर स्याही फेंक दी जाती है। स्याही फेंकने वाला शख्स यही दिख रहा है जो आज कोतवाली कोपागंज में थाना कोपागंज में आकर वो सरेंडर कर रहा है। हालांकि इसने अपने पूरे बयान में भाजपा नेता प्रिंस यादव का नाम लिया है, लेकिन अब तो ये जांच का विषय है कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है। दूसरी तरफ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर अभिमन्यु यादव उर्फ डायमंड और दूसरी तरफ प्रिंस यादव का फोटो दिख रहा है, वहीं बीच में पूरा बयान दिख रहा है। प्रिंस यादव के बारे में बता दें कि इसके पहले वो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते थे और लोगों में हमेशा दिखते भी थे। इस बीच सुधाकर सिंह का वो बयान हम आपको फिर से सुना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुधाकर सिंह हार से बौखला गए हैं और स्याही फेंकवा रहे हैं। मैं 42 वर्ष से पॉलिटिक्स करता हूं और आज तक मैंने किसी को रिक्शा वाले को भी तुम नहीं कहा है, और यह भाजपा वालों की साजिश है। इसी तरह से दोहरी घाट में भी बढ़ रहा हूँ मैं, अपने ही ऊपर गोली चलवा करके दूसरे को लगा रहे थे तो खुद ही पकड़ गए बेचारे सब। तो ये लोग, अब एक नाम लेने वाला दारा चौहान का कोई विधानसभा के अंदर है नहीं, तो कैसे कुछ चर्चा हो जाए वह, और स्वयं ये लोग अपना काम कर लेते हैं। हम यदि जो भी किया है, मैंने कहा पहले ही, जब उनके लोगों ने यदि उन्होंने खुद कराया है तभी मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। वो कह रहे हैं सुधाकर सिंह चुनाव हार गए, कोई साथ नहीं है तो इसीलिए सब कर रहे हैं। हाँ, बौखला, ये बौखलाहट का लक्षण है, यही बौखलाहट का लक्षण है। सुधाकर सिंह 1975 से राजनीति करते हैं, हम आपातकाल में 19 महीने 18 दिन जेल रहा हूँ। इमरजेंसी में जब इस मुल्क में आज़ादी सारी छीन ली गई थी तो मैं जेल में था। मैं परमानेंट पॉलिटिकल हूँ, मेरे ऊपर हार जीत का कोई फैसला कोई माने नहीं रखता। जन सेवा करना ही हमारा केवल कर्तव्य है। हारता हूँ तब भी, जीतता हूँ तभी उसी की नींव के पेटर में मिल जाता हूँ। ये तो मैं कह रहा कि यदि अपने स्वयं ही करा लिए होंगे, लेकिन यदि ये कहते हैं तो जो भी कराया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दारा सिंह चौहान ने ये कहा कि ब्राह्मणों की और दलितों की हत्या कराते हैं आप, गुंडा पालते हैं। आज तक मेरे ऊपर कोई अपराध लागू है इन सब चीज़ों का? ये तो रही तो बता देगा आपको कि मैं जितनी बार जेल गया हूँ, जेल लेकिन केवल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जेल गया हूँ, छात्र राजनीति में गया हूँ, जन आंदोलन में गया हूँ, किसी जनता ने मेरे ऊपर एफआईआर आज तक नहीं किया है। क्या माना जाए कि जो ये बयान दे रहे हैं ये हार का 100% सूचक है, 100%।
पब्लिक से भी पूछ लीजिए आप, यह दलित बस्ती है, पूछे कोई दलित उनको वोट दे रहा है, आप खुद पूछ लीजिए। मुझको तो सारी जातियाँ वोट दे रही हैं, सारी जातियाँ काका बाबा से पूछा, दारा वोट देंगे, पूछा कैसा आदमी है वहाँ, ठीक आदमी है। दारा चौहान कहते हो कि हत्या हत्या करावे ना, नहीं गलत बात है, अफवाह है। कौन बिरादर है? चमार है। अच्छा, और कह रहे हैं दलितों का हत्या कराते हैं, ब्राह्मणों का हत्या कराते हैं, एक गुंडा पाते हैं। सब गलत बात है, सब गलत बात है, ऐसा नेता नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत जमीनी नेता हैं, अब जिन्होंने जहान से हम लोग जिताएंगे, हाँ दिलो जहान से हम लोग जिताएंगे, नज़दीकी हमारे हैं।